मुझे सबसे जो प्यारी इमेज है वो यही लग रही है, टेडी बेयर की तरह। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतू और मेरी आज की वीडियो जो है वो मेरे सेकंड स्कैन के बारे में है। जैसे आपको पता है कि मेरा IVF हुआ था और उसके बाद मेरा जो फर्स्ट स्कैन हुआ था उस स्कैन में मुझे पता चला था कि मैंने ट्विन कंसीव किए थे, लेकिन एक ट्विन जो था वो ग्रो नहीं हो पाया तो मिसकैरेज हो गया था। लेकिन जो एक बेबी था उसका हार्ट बीट प्रॉपर आ गया था और फिर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही है। और मेरा सेकंड स्कैन भी हो गया 9th week 3 days में। तो मेरा जो फर्स्ट स्कैन हुआ था 6 week 4 days का, उसमें जो हार्ट बीट आई थी वो 126 आई थी, जो कि अच्छी हार्ट बीट मानी गई थी। और अभी जो मेरा स्कैन हुआ है उसका मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगी। तो आई थिंक सभी लोगों के लिए फर्स्ट स्कैन सेकंड स्कैन बहुत इंटरेस्टिंग रहते होंगे। तो जैसे कि आपने मेरा फर्स्ट स्कैन अगर आपने देखा था तो आपको याद होगा कि इसमें जो फीटस है वो इतना मतलब ये जो आपको दिख रहा है ये एक सिंगल सैक है और इसमें ये फीटस है। और अभी का इसमें मेरा 126 हार्ट बीट आया था और मतलब फीटस का। और जो मेरा अभी का जो स्कैन है अगर वो मैं दिखाती हूँ, अब दोनों स्कैन देखिए, ये जो है ये फीटस है, ये बेबी है। और है दोनों का आप साइज देखिए, इतनी जल्दी जो साइज में डिफरेंस आया है। ठीक है, तो अभी मैं जो मेरा सेकंड स्कैन है उसमें फोकस करती हूँ। इसमें अगर आपको देखने में जो फीटस है वो बिल्कुल टेडी बेयर की तरह लग रहा होगा, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे सर हाथ पैर सब कुछ आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो शेप आई है लेकिन जो लिम्स है वो अभी नहीं ग्रो हुए हैं, सिर्फ बर्ड्स आए हैं उसके। तो उस अपने वो बर्ड्स की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे हैंड्स और लेग्स सब आ गए हैं, जबकि जो 3D इमेज ली गई है वो ऐसी है। 3D इमेज में ये सर है और ये जो है ये बड है पैरों का, ये मतलब यहाँ पे जो पैर की शेप निकलेगी। और जब ये एक्चुअली फ़ोटो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जब वो मेरे रिपोर्ट में भी अगर आप देखेंगे तो ये मेंशन्ड है कि जब ये स्कैन लिया गया था तो जो बेबी था वो मूविंग था, वो पोजीशन चेंज कर रहा था, इस वजह से जो इमेज थी वो ढंग की नहीं आ पाई थी। तो फिर भी उन्होंने बहुत मुश्किल से एक इमेज ली मुझे दिखाने के लिए कि हाँ ये सर है, ये यहाँ पे पैर आएंगे, बर्ड है, मतलब वैसे करके। और इसमें हार्ट बीट 180 थी और अगर प्लेसेंटा की पोजीशन देखें तो वो इस तरफ को है जो कि लेफ़्ट साइड को है। मुझे सबसे जो प्यारी इमेज है वो यही लग रही है, टेडी बेयर की तरह। जो उसके 6 week का स्कैन होता है उसमें प्लेसेंटा की पोजीशंस वगैरह नहीं पता चलती है। ठीक है, कि वो कहाँ पे है अटैच, कौन सी साइड है। लेकिन जो 9th week में जो स्कैन हुआ है उसमें ये प्रॉपरली मेंशन्ड है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो जो मेरे रिपोर्ट्स में लिखा है, एक तो कार्डियक एक्टिविटी जो 180 और मूवमेंट आर सीन, क्योंकि 9th week में भी मूवमेंट होती है, स्कैन के टाइम पे भी बच्चा जो था वो मूव कर रहा था, वो एक ही जगह पे नहीं टिका था, उसके पास इतना सारा स्पेस था कि वो मज़े से घूम रहा था। और जो सर्वाइकल लेंथ है वो 3.8 centimeter है, जो कि ठीक है विद क्लोज्ड ओएस। और इसमें लिखा है 9 weeks 3 days का फीटस है अभी। और जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो पोस्टीरियर है, जैसे आपको पता है एंटीरियर पोस्टीरियर, तो मेरा पोस्टीरियर है कवरिंग द ओएस ग्रेट ओ। तो पोस्टीरियर पोजीशन में जो मैंने नेट में देखा तो उसमें लिखा था कि पोस्टीरियर पोजीशन में बेबी की मूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी पता चलती है, बहुत जल्दी और स्ट्रॉन्ग भी पता चलती है, क्योंकि पोस्टीरियर मतलब जो प्लेसेंटा है वो अटैच यूट्रस के बैक साइड पे हुआ है।
इंटीरियर में होता है कि आपका स्टमक होता है, फिर आपका प्लेसेंटा होता है, फिर आपका बेबी होता है, तो इसलिए आपको मूवमेंट थोड़ी सी कम पता चलती है। मतलब मूवमेंट तो अभी भी नहीं पता चलेगी, 9 वीक बहुत ज़्यादा जल्दी, अभी उसके पैर भी ढंग से नहीं आए हैं जो मतलब प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें नहीं पता चलती, लेकिन इंटीरियर प्रेगनेंसी से ज़्यादा पता चलती है और स्ट्रॉन्गर फील होती है। तो प्रोस्टीरियर में जो है द बैक ऑफ द यूट्रस होने की वजह से जो बेबी और स्टमक के बीच में कोई गैप नहीं होता है और बेबी के पास ज़्यादा स्पेस होती है इस केस में। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझे बता सकते हैं कि आपका जो अगर स्कैन हो चुका है तो हार्ट बीट वगैरह कितनी थी और जो थी कितने, जैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इससे और लोगों को भी आइडिया होता है कि हाँ किसका स्कैन में कितना हार्ट बीट आया या उनका क्या है करके, ऐसे करके जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको हेल्प मिल जाती है। और फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।